आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पेपर इंडस्ट्री। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ा था। सीमेंट का रोल हमारे हर जगह पे, जिन रूम्स में हम बैठे हैं वहां भी सीमेंट यूज हुआ हुआ है, तो केमिस्ट्री का यूज उन रूम्स में भी है। दूसरा पेपर इंडस्ट्री, जो भी लिखने का काम होता है, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस सब में केमिस्ट्री का यूज है, पेपर बनाने में यूज होता है। तो पेपर इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है उसकी डेफिनेशन से। पेपर क्या है? इट इज अ शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेल्यूलोसिक फाइबर्स। यानी ये नेटवर्क का बना होता है जो आपस में जुड़े होते हैं, इसी वजह से पेज अपनी हालत में बरकरार रहता है। विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन, जिसको एक पानी वाली सस्पेंशन से डिपॉजिट किया जाता है। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है ये इंटरलॉकिंग फाइबर, यानी वो आपस में लॉक हुए होते हैं, जिस वजह से पेपर अलहदा नहीं होता जब तक उसको हम फोर्स लगा के फाड़े ना, ठीक है? यानी आपस में इंटरलॉक होते हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, फाइबर्स। इट इज अ शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन। द प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरलॉकिंग फाइबर। ये डेफिनेशन हो गया। अब अर्ली हिस्ट्री क्या है? डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है डिफाइन पेपर, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा डिफाइन पेपर। एमसीक्यू आता है, पेपर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ विच पेपरस पौधे से ये वर्ड डिराइव हुआ, ठीक है? पेपर का वर्ड किससे डिराइव हुआ? पेपरस एक जड़ी बूटी है, इसके नाम से इसको डिराइव किया है। ये नाइल रिवर यानी जो दरियाए नील है मिस्र में, उसके इर्द गिर्द उगता है। कहाँ से? हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से 3000 साल पहले, ठीक है? मॉडर्न पेपर वाज इन्वेंटेड बाय, अभी साइंटिस्ट का नाम थोड़ा कंसेप्चुअल है तो उसको इतिहास से लेना है। मॉडर्न पेपर वाज इन्वेंटेड बाय तसाई लन ऑफ चाइना, ठीक है? इन 105 AD ही वाज ऑफिसर इंपीरियल कोर्ट ऑफ चाइना। अब ये उसका पेशा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नेम याद कर लेना है और पौधे का नेम याद कर लेना, ठीक है? इसका नेम तो वैसे भी आपको कभी नहीं भूलेगा उम्मीद है, तो इसका नाम आपने याद कर लेना है कि पेपर को किसने इन्वाइट किया था और किस पौधे के नाम पे उसका नाम रखा है। ये दो एमसीक्यूज हो जाएंगे और ये पेपर इंडस्ट्री वाली डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज, रॉ मटेरियल से मुराद खाम माल, जो अब हम कागज इस्तेमाल करते हैं, कॉपी इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है? खाम माल। अब 2 किस्म के रॉ मटेरियल हैं, एक है नॉन वुडी रॉ मटेरियल, दूसरे है वुडी रॉ मटेरियल। नॉन वुडी वो है जो लकड़ी के अलावा बाकी चीजों से ऑब्टेन होते हैं, और वुडी वो है जो लकड़ी से ऑब्टेन होते हैं। ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं हमारे पेपर में। देखो अब जरा, वीट स्ट्रा, राइस स्ट्रा, बैगस, बैम्बू, रैग, कॉटन स्ट्रा, कॉटन लिंटर, काही ग्रास, ग्रासी, ये मुख्तलिफ उनकी जो छाल होती है ना वो इस्तेमाल होती है। ये नॉन रूडी रॉ मटेरियल है, ठीक है? गंदम के दाने का जो छिलका वगैरह होता है, राइस का जो छिलका होता है, ठीक है, बांस होता है, ये सब वो हो जाएगा। और वुडी रॉ मटेरियल वो है जो लकड़ी की छाल इस्तेमाल होती है। पॉपुलर ये वाला इस्तेमाल होता है, यूकलिप्टस ये दरख्त इस्तेमाल होता है, डोरग्लास के ये दरख्त इस्तेमाल होता है। अब आपको पता होना चाहिए पॉपुलर क्या है, हार्डवुड है, यूकलिप्टस भी हार्डवुड है, और डोरग्रास फिर क्या है, सॉफ्टवुड है। यानी ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल, ये वुडी रॉ मटेरियल, ये आपको याद होने चाहिए, इसमें से एमसीक्यू भी आ जाता है। उसके बाद व्हाट आर प्रिंसिपल मेथड, अब कौन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है। सीमेंट में हमने पढ़ा था ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, जबकि पेपर में 3 किस्म के प्रोसेस हैं। क्राफ्ट प्रोसेस, क्राफ्ट प्रोसेस क्या है? अल्कलाइन यानी बेसिक है। सल्फाइड प्रोसेस क्या है? एसिडिक है। और NSSC ये है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, यानी ये दरमियान वाली कैटेगरी है। इन सब में ज्यादा अच्छा कौन सा है, वो इधर से अब क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूट्रल सेमी सल्फाइड प्रोसेस का फायदा, ठीक है? न्यूट्रल सेमी सल्फाइड प्रोसेस का क्या फायदा है ये देखो, इज बेटर ड्यू टू इजिकल केमिकल रिकवरी, केमिकल आसानी से वापस ऑब्टेन हो जाता है, पल्प स्ट्रेंथ मजबूत कागज बनता है, और ये ज्यादातर ये वाला प्रोसेस यूज होता है पाकिस्तान में। कौन सा? न्यूट्रल सेमी सल्फाइड केमिकल प्रोसेस यूज होता है पाकिस्तान में ज्यादातर, ठीक है? और इसका फायदा क्या है, ये इसके फायदे लिखे। अब इतना ही हमने पढ़ना था, अब इसमें से जो सवाल आते हैं वो आपको पहले भी बताए, अब हम दोबारा देख लेते हैं। डिफाइन पेपर, गिव इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर पेपर की डेफिनेशन आ गई पहले, इट इज शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क नेचुरल सेलुलोज़िक फाइबर्स व्हिच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरलॉकिंग फाइबर, ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद रॉ मटेरियल, ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल लिख देने हैं, ये वुडी रॉ मटेरियल लिख देने हैं। पॉपुलर यूकलिप्टस, डोरग्लास, फिर ऊपर वाली दो हार्डवुड है, लास्ट वाली सॉफ्टवुड है,
और ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल वीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बैगस, बैम्बू, रैग, कॉटन स्टॉक, कॉटन लिंटर, का ही ग्रास, ग्रासेस, ये नॉन वुडी रॉ मटेरियल। ये दो नंबर का शॉर्ट हो गया। उसके बाद राइट नेम्स ऑफ टू नॉन वुडी एंड टू वुडी रॉ मटेरियल, तो दो नॉन वुडी लिख देने हैं इनमें से कोई भी और दो वुडी लिख देने हैं, ये सवाल हो गया। फिर राइट फोर नॉन वुडी रॉ मटेरियल, तो इनमें से चार के नाम लिख देने हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए, यानी इस टेबल में से कई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर व्हाट आर प्रिंसिपल मेथड फॉर केमिकल पल्पिंग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर, विच वन इज बेस्ट एंड वाई। अब बता देने हैं तीन नाम जो भी हमने पढ़ने हैं। क्राफ्ट प्रोसेस होता है, अल्कलाइन सल्फाइड, एसिडिक न्यूट्रल सल्फाइड, केमिकल प्रोसेस, ये दरमियान वाला वो पूछा है इनमें से अच्छा कौन सा है। न्यूट्रल सल्फाइड केमिकल प्रोसेस सबसे अच्छा है क्योंकि केमिकल रिकवरी की वजह से आसान है और पल्प को स्ट्रेंथ देता है पेपर को, और ये ज्यादातर यूज होता है पाकिस्तान में। उसके बाद एमसीक्यू देख लेते हैं। जो वर्ड पेपर है वो किस जड़ी बूटी वाले पौधे से डिराइव हुआ है, पेपरस से, तो पेपरस करेक्ट आंसर है। कौन सा? पेपरस से डिराइव हुआ है वर्ड पेपर का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वुडी रॉ मटेरियल है इनमें से, पॉपुलर वुडी रॉ मटेरियल है। अगला एमसीक्यू भी यही है, कौन सा वुडी रॉ मटेरियल है, पॉपुलर वुडी रॉ मटेरियल है। अब हमारा लेक्चर इतना ही था, अब इसमें से फनी कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं वो हम देख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। अब व्हाट इज द मोस्ट लॉयल एलिमेंट, सबसे वफादार दोस्त एलिमेंट कौन सा, ठीक है। ये कौन है? ब्रोमाइन, यानी मेरा भाई, ठीक है। ब्रोमीन को इंग्लिश में कह दिया, जैसे कहते हैं माइन ब्रो, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइन, यानी मेरा भाई, ये सबसे लॉयल एलिमेंट है ब्रोमाइन। उसके बाद ये फनी पिक्चर है, ये काला रीच है, ये काला रीच होता है ग्रिजली बियर, और बर्फानी रीच होता है पोलर बियर, ठीक है। काला रीच होता है ग्रिजली बियर, बर्फानी रीच होता है पोलर बियर। अब पोलर बियर कह रहा है हेल्प हेल्प आई एम डिजॉल्विंग, पोलर बियर कह रहा है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ या मैं हल हो रहा हूँ पानी में। ग्रिजली बियर कहता है बट बियर्स आर इनसोलेबल, ग्रिजली बियर कहता है मगर जो रीच होते हैं वो तो पानी में हल नहीं होते। पोलर बियर कहता है ये तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम पोलर नहीं हो, क्योंकि बर्फानी रीच क्या होता है, पोलर बियर, तो आपको पता है पोलर चीज, पोलर पानी में हल हो जाती है, तो ये उसके अंदर हल हो रहा है। तो ये केमिस्ट्री का जो जोक्स भी होते हैं वो भी कंसेप्चुअल होते हैं, आप लोगों को पता है। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ।